ये पाली दे के गया मच्छर, हाँ पाली दे ये गया दिखा मुझे। ये वाली। हाँ हाँ एक ये भी पाली दे दी। अब मच्छर खा जाता है मुझे हैं चाचू, आपने नहीं भूल दी उसे गई। पारी, आप भी दे देते एक छोटी सी ऐसे काती मार लेते बिना दांत वाली, ऐसे काट जाते उसे। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो इस समय बज रहे हैं 9:30 और 9:30 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बस जस्ट अभी लिए एक बढ़िया सी चाय है ना, पहली मॉर्निंग की यार। आज लेट हो गया उठने में, और जैसे मैं उठा ना ऐसे बाहर निकला यार, मतलब सीरियसली इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यार, मतलब अब ये लगता है ये जैकेट जो है ये काम नहीं आनी बाहर साइड जाने के लिए, वो मोटी वाली हैवी वाली जैकेट पहन के जाना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए है ना, मिलते आगे, ओके बाय। मतलब एक बार देखी होगी तुमने, लोग जो होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, सॉक्स की एक जोड़ी पेयर पहनते हैं। पता मैं कितनी पहनता हूँ, एक साथ दो। मतलब मेरी ठंड, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा ठंड पता कहाँ से लगती है, मुझे मेरे पैरों से। मतलब अगर पैरों पे नहीं लग रही तो भाई मुझे ऊपर जैकेट मत बनाओ तो फिर सही रहता है, लेकिन भाई पैरों में मतलब होनी चाहिए। तो मतलब मोस्टली मैं सर्दियों में तो भाई दो जोड़ी पहनते ही पहनता हूँ। तो चलो अब चलते, तैयार होते जूते पहनते फिर निकलते साइड के लिए, ओके। तो एक्चुअली क्या था कि मैंने ना बताया एसएस के शूज़ मंगवाए थे, जस्ट बिकॉज मैं जिम ज्वाइन करूँगा तो एसएस के शूज पहनते वो शूज़ लेते हैं ना, तो इसलिए मैंने मंगवा लिए थे। बट पता है यार, मतलब होता है ना कि यार तुम कोई महंगी चीज़ मंगवाओ तो यार तुम्हारा दिल दुखता है उसको ऐसे, मतलब किसी चीज़ में यूज़ करने के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ यार, अभी जो मतलब सर्दियों में ना विंटर में वैसे भी सीरियसली हार्ड मुश्किल होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉगिंग जॉगिंग करना स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज यार फैट बहुत भरता है यार बॉडी में। तो आज मैं सोच रहा हूँ यार, अगर मुझ पर टाइम मिलता है तो यार, मतलब एक है बोदला में है शूज़ मिलते हैं बढ़िया चीप, और मतलब चीप इन द सेंस, मतलब इतना भी चीप नहीं बट हाँ लेकिन बजट में आ जाते हैं शूज़, तो वो मैं जॉगिंग के लिए ले आऊँगा। ताकि मतलब यार ये इस वाले ये वाले शूज़ हो सके, ये आपने देखे होगा, अगर ये निकालूंगा ना तो मतलब यार मुश्किल होगा, मतलब यार ये जिम में यूज़ करेंगे वहीं अपना दिखाएंगे स्टेटस। तो फिर देखते हैं, अगर चलते हैं साइड पर, अगर टाइम वाइम मिलता है तो मैं सोच रहा हूँ वो शूज़ ले आऊँ, फिर कल से जॉगिंग जाना स्टार्ट करूँ, या तो नाइट या अर्ली मॉर्निंग है ना। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ, ओके मिलते हैं आगे की वीडियो में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जस्ट मैं अभी आया हूँ फ्लैट वाली साइड पे। एक्चुअली क्या था कि यहाँ 2-3 दिन से, मतलब अभी वो उसकी फोर्थ लैंडर की प्रिपरेशन चल रही है, तो शेटरिंग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो देखते हैं कितना है क्या नहीं, फिर देखते हैं ना चलते हैं। फिर इसके बाद चले गए अपना उस वाली साइड पर, दूसरी साइड पर। तो चलो अब पहले टेक के अपना मत्था, जो कि हमारा वो है अपना, जीना डल चुका है पूरा, ये लास्ट था, लास्ट था। ऊपर तक चले, ऐसे ऊपर तक जाना रिस्की है थोड़ा, फिर मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से व्यू दिखाऊँ आपको, कितना डर लग रहा है भाई जहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये देखो। मैं मतलब मोस्टली जब भी आया हूँ तो यहाँ वॉल होती है, मतलब जब भी थर्ड फ्लोर और मैं फोर्थ वाले उस पर हूँ तो यहाँ वॉल ही नहीं है अभी इस समय, तो उस समय मेरी लिटरली हालत बुरी हो रही है, दिखाता हूँ आपको। मतलब आपको इतना पता चल नहीं रहा होगा यार, लेकिन सीरियसली मैं काफ़ी ऊँची साइड उस पर हूँ, देखो ये यहाँ पे वॉल होती है, जब अगर नीचे वाले उसमें सब में वॉल है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि यहाँ वॉल के बिना आया हूँ। मतलब मैं जितनी बार भी आया हूँ ना यहाँ, मतलब वॉल ही मिली है, मतलब फ़र्स्ट टाइम है जो मेरा बिना वॉल के आया हूँ, लेकिन इससे ऊपर जाने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, तो अवॉइड करते ऊपर जाना और चलते हैं अब दूसरी साइड पर। तो वो दूसरी साइड ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली, यहीं से दयालबाग के एरिया में, यहीं से आगे वाली रोड से कट हो गई है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे है ना, हम उतरते हैं, देखते हैं, उतरना बड़ा रिस्की है, ये होल्ड करेंगे।
स्लाइड 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 टेक्निक फ्री होल्ड करो, फिर थोड़ा स्लाइड 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 फ्री होल्ड और नीचे आ गए। ग्रेट सक्सेस। तो ओके, और ये लिफ्ट वाला एरिया है ना पीछे का, ये ना ये लिफ्ट का एरिया है, नीचे चलते हैं। हाँ नहीं जा पाएगा यहाँ से। हाँ वैसे ऐसे जब भी शैटरिंग लगे तो प्लीज ना आया करें कभी भी, अगर किसी के घर में काम वाम चल रहा है। एक्चुअली हमारा तो काम है तो हमें पता है कि किस हिसाब से कैसे डील करना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की रह सकता है ना, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। ओके, और किसी घर में काम चलता है और ऐसे शैटरिंग लगी हो तो प्लीज़ अवॉइड किया करें। ओके तो चलिए बने रहिए मेरे साथ आगे की वीडियो में। प्लास्टर करता है आज फिर अकेले लगाएगा, कोई लेबर नहीं रहा साथ? लेबर भाई कह रहे थे अकेला करेगा। हाँ तो अकेले का ही काम है तो अकेले ही करेगा, एक इसके लिए का लेबर चाहिए तुझे। एक तो इसमें ये बैंड चल रहा है, ये दिख रहा है, ये चीज देखो दिख रहा है, देखो ये मिल गया ये मिल गया ठीक है, हाथ फिर तो देखो कितना ठीक है। अब इस बैंड ये देखो देख रहे हो ये मिल रहा है यहाँ, देखो यहाँ से इस चक्कर में मैंने दबा दिया फिर भी नहीं वो दबा, ये तो हो गया इसमें बैंड, बैंड चल रहा दूंगा सारे इसमें ठीक है। अब इसमें बैंड के साथ साथ इसमें ऐट आ गई है, जब ये टाइल यहाँ से मिल रहा है तो दूसरा भी मिलना चाहिए। अब देखना गौर से क्या चीज है इसमें है, अब देखना सील डाल के चक्कर में आ रहा सब भाई। सुनो अब एक चीज और देखना, इतना गैप है इसमें ठीक है, जॉइंट कर दिया है ये मैंने लगा दिया, अब ये दूसरा लगाया ठीक है, ये दूसरा लगाया इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा हो गया है, ये मिल गया सही हमको, सही है देखो भाई ये सही मिल रहा है। अब वो भी चेंज करो, वो अलग पलट के वो लगेगा। अब नहीं आ रहा बैंड, ये क्या है दिखा ना, हाथ सही तो है, ये क्या है बैंड हल्का ये देखो मिला के से दवाई, वहां से दवाई हो जयप्रकाश क्या नाम है तेरा, आ गया ना काम करो, इस पेटी को सब खोल के बाहर धूप में रख दियो। कौन पेटी? ये सब टैल है बाहर धूप में रख दियो पहले, और इसकी जो पेटियां खोली है वो भी सही है, उसके बाद कल जब आए तो इन्हें पेटियां पैक कर दियो सही है, जब सूख जाए पूरी अच्छे से। दूसरा बात लगा देगा इसको, खुलवाओ हटाओ, ये सब बैंड है इसमें भी देखो पूरा बेकार लगे बाथरूम बनने। चलो भाई जस्ट मैं अभी आया हूँ घर, इस समझ रहे दो, अब मैं करूँगा नाश्ता। एक्चुअली क्या था कि सुबह मुझे जल्दी जाना था, 9 बजे करीब निकल गया था तो नाश्ता नहीं कर पाया था,
सो जस्ट अभी आया हूँ, फिर चलो अब नाश्ता करते हैं। इसके बाद जाना है हमें कारपेंटर का सामान लेने जाना है, तो सही है फिर बने रहिए मेरे साथ, है ना। मम्मी ने बनाया बढ़िया से पुलाव, पुलाव लेते हैं ना खाते हैं, मतलब फिर चलते हैं। हरी चटनी, पुलाव, प्याज व्याज सब बना, सब खा लेंगे और भूख भी बहुत लग रही है। चाय भी पी लेंगे, चाय बाद में पियेंगे आके शाम को। तो चलो फिर मेरे साथ बने रहो, ओके बाय। पाली दे के गया मच्छर? हाँ, पाली दे गया। ये दिखाइए ये वाली, हाँ एक ये भी पाली दे दी। हाँ, अब मच्छर खा जाता है मुझे चाचू। आपने नहीं दी उसे पाली, आप भी दे देते एक छोटी सी ऐसे काटी मार लेते बिना दांत वाली, ऐसे काट जाते उसे। मैं ऐसे पूछूं पापा कहाँ तेरे, पापा कहाँ तेरे, ऐसे वो तो उस पर हंसती है देखना। पापा कहाँ तेरे, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ तेरे, पापा कहाँ हैं, तू मेरी इंसल्ट करवा ली है, हंसना था तुझे यहाँ पे क्यों हैं, पापा कहाँ तेरे, बताती क्या नहीं है तू, ता तो ताम पे दही ताम पे। मम्मी गुस्सा हो गई है उससे, गुस्सा हो गई देखो, मुझसे गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई। हाँ बेटा सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, मेरी छोटू खुद को ये बाल हेयर स्टाइल अभी तो तेरी छोटी सी तो है, तो तू अभी हेयर स्टाइल देखो इसकी क्यों, अरे छोटी सी है देखो कैसे हेयर स्टाइल बना रखी है, देखो स्टाइलिश मुंडा, स्टाइलिश कुड़ी, वो स्टाइलिश कुड़ी वो सब सही है भाई। अपने साथ गर्दन लाना भूल गई, अब मैं इससे डेली सुबह उठ के यही पूछता हूँ गर्दन कहाँ है तेरी, गर्दन कहाँ है, गर्दन कहाँ, क्या कुट्टू तुझे मच्छर काट गए पारी दे गए, मतलब मम्मा हमें मच्छर काटते हैं से पारी दे के जाते हैं। बड़ी जोर जोर से हंस रही थी, अच्छा निकाल 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 गए थे जोर जोर से, अच्छा चल कुकू अब चाचू नाश्ता कर ले जल्दी से, है ना, है ना, फिर चलते हैं। इससे मैंने पूछा पापा कहाँ तेरे, पापा तो मुझसे गुस्सा हो गई के चाचू पूछ के इधर तुम पूछ हैं, मेरे कॉलर पकड़ के मुझसे पूछोगे मेरे पापा का है, अभी पापा ने भी तो देख ली तो छोड़ेंगे नहीं। चल आ जा नाश्ता कर लेगी ना, आ जा देख दादी नाश्ता ले आई, हाँ लंच, अब तो हमारा तो लंच है भाई। ये क्या है मम्मा, मेथी आलू, मेथी आलू, मेथी आलू दही, दही चटनी, और ये है पुलाव, ये लिया बस, ये हमारा सलाद। आई एम सर प्लीज इज इट, भाई तुम यूनियन वालों यही होता है हमेशा, देखो अब मैं किसी दूसरे एटीएम से निकाल लूँगा ना तो मुझ पर मैसेज आएगा कि भाई तुमने यूनियन से क्यों नहीं निकाले, ये देखो आई एम आउट ऑफ सर्विस विजिट दूसरा। अब मैं चला जाऊँगा तो अब क्या करें, मजबूरी है ना, अब दूसरे एटीएम पे जाना, बगल में एसबीआई का उस पर जाऊँगा तो अब मुझ मैसेज पता क्या आएगा कि अब किसी दूसरे एटीएम से निकालो, वो एटीएम आपने दूसरा एटीएम क्यों यूज़ किया। है भाई गोदाम कितना बड़ा है, लकड़े लकड़ हर जगह, कोई कहाँ ले जा रहे हैं, हैंड पे है क्या भाई, एक बात ये डार्क ज़्यादा नहीं होगा, ये डार्क ज़्यादा नहीं होगा, इसी में ग्लॉसी में नहीं है क्या, इसी कलर में, हाँ इसी का ग्लॉसी जो किचन पे चल जाए, ये दिखाया तो था क्लिप का मैंने आपको, अच्छा क्लिप में ग्लॉसी नहीं है, वो दियो तो सारा सामान तो हमने मोस्टली ले ही लिया, अब ना अब बस ही हम पे सिर्फ दो माए का बच्चे जो ग्लॉसी में लेनी है किचन के लिए, तो उसको पसंद नहीं आ रही, अब देखते हैं किस दूसरी दुकान पर जाते हैं, सही है, मतलब ये सारी सारी दुकान है, सारी की सारी दुकान है, मतलब मोस्टली यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे हो जितनी भी मेरे कैमरे में आ रही है सारी सिर्फ इससे रिलेटेड वर्क ही करती है, मतलब सब पे वही मिलेगा सामान अपना, वुडन का गेट हो गया और ये हो गया सब, और अगर माइका चाहिए तो माइका के लिए कि बैद्यनाथ है इसमें आके अंदर, बढ़िया माइका
सो हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉच माई व्लॉग। तो यार सीरियसली आज का डे बहुत टायरिंग वाला रहा है, जस्ट बिकॉज कि यार एक्चुअली आज तो बहुत ठंड बहुत थी, और जब सुबह साइड पे गए तो यार एक्चुअली एक चीज़ और मतलब मूड खराब हो गया। जस्ट कि एक्चुअली क्या था, हम जब टाइल लेके आए थे ना, तो मतलब टाइल हम यार बहुत कॉस्टली वाली लेके आए एक्चुअली। एक तो एक न्यू शॉप से लेके आए, वो हमने पसंद करी थी टाइल, तो उस पर अच्छी लगी। मतलब मोस्टली जिससे हमारा सामान आता उससे लेके नहीं आए थे, तो दूसरे से लेके आए, तो उसमें क्या निकला पूरा टाइल वाइल में ना क्या नहीं, जब वो जो हमारा वो है टाइल का मिस्त्री है, वो जब लगाने गया तो सब पूरा उसमें क्या हुआ, बैंड और वो आने लग गए। तो यार मतलब ये समझ लो पूरा नुकसान। एक्चुअली उसने एक तो क्या करा, उसकी बेवकूफ़ी जो उसकी लेबर थी, उसने क्या करा टाइल ओपन करके सब मतलब टाइल उसमें डाल दी ड्रम में। तो यही है कि फिर ये होता है कि यार मतलब एक अगर बॉक्स ओपन हो जाए और टाइल गीली हो जाए तो वापसी होती नहीं है। सो यार ये आज का नुकसान हुआ बहुत गंदा हमारा, कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। अब जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो होता रहता है, फिर अगर बिजनेस है तो फिर वही झेलना तो पड़ेगा सब चीज़। सो बस यही। और फिर उसके बाद क्या यार, एक्चुअली सामान लेने गए थे, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा आज कारपेंटर का सामान लिया है सारा साइड का, है ना। सो बस अब देखते कल से आता है। और एक्चुअली हाँ एक चीज़ और, अगर जैसे मतलब किसी को जैसे फ्रीगंज, मतलब एक फ्रीगंज है जो मैंने बताई दी है इन वीडियो में, हाँ, तो अगर किसी को अपने घर में फर्नीचर का काम करवाना है तो प्लीज़ विजिट फ्रीगंज, है ना। मतलब कहीं भी शॉप पे ट्राई करने से पहले जाओ एक बार फ्रीगंज पे ट्राई करो। मतलब पूरी मार्केट लाइन बनी हुई है, आपने देख लिया होगा वीडियो, मतलब हर जगह वही शॉप, मतलब पूरा वुडन का वर्क, मतलब पूरा वुडन का सामान मिलता है, मतलब दरवाजों से लेके बोर्ड से लेके मतलब प्लाई तक, मतलब यहाँ पे जितनी भी शॉप है ना वो सारे उसके डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बैठे हुए हैं। सो बस यही रहा आज के व्लॉग में। बस अभी घर आए, अब लेके एक बढ़िया सी चाय, तो इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, अब एड नहीं करने बैठे के। तो मिलते हैं अगले के व्लॉग, कल के व्लॉग में। बाय, ऐसे जुड़े रहिए। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ सैटरडे या संडे को कुछ स्पेशल करूँ, सो देखते हैं, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। बाय। प्रकाश सोने आए हैं? ढाबा लग रही तो हवा लग रही तो जा नीचे, जा बुला रहा अनिल।